नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं मेडिसिन माइक। अगर आपको पेशाब में जलन हो, दर्द हो और बार बार हो, तो ये एक संकेत है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। मोस्टली बहुत कम पानी पीने से ये महिलाओं को, पुरुषों में बार बार होता है, तो इसलिए दिन में सलाह दी जाती है कि कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर प्यास ना लगे फिर भी पीना चाहिए। अगर आपको पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब के दौरान जलन हो रही है, इरिटेशन महसूस हो रहा है और बार बार हो रहा है, और कभी कभी ब्लड भी आ रहा है, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के संकेत हैं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और आप पी सकते हैं डी सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट युक्त कोई भी सिरप, जैसे अल्कासाल सिरप। स्टेटमेड कंपनी का 100 ml का अल्कासाल सिरप 100 रुपए के आसपास में आपको हर एक नज़दीकी मेडिकल पर मिल जाएगा, या आप ढेर सारे उसी से मिलते जुलते कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। एक दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करना है। आपको आधे गिलास पानी में 15 से 30 ml, एज आपके डॉक्टर के सुझाव के अनुसार ही करना है। आप जैसे ही फर्स्ट डोज लेंगे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ये मोस्टली आइसक्रीम फ्लेवर में आते हैं। आइसक्रीम फ्लेवर का मतलब शरीर के तापमान को ठंडा कर देता है, शरीर के एल्कलाइजर यानी कि एसिड की मात्रा को कम कर देता है, जिससे आपको यूरिन पास आउट करते समय दर्द नहीं होता है और हर प्रकार की यूटीआई इन्फेक्शन में आराम भी मिलता है। साथ में कुछ दवा भी लेनी चाहिए जो आपको आपके डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। मोस्टली बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना और दर्द होना, इसमें आप डिसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट के साथ में ले सकते हैं 1 टेबलेट मेप्टालिस पास, सिस्टोन टेबलेट हिमालय का और एसीलाक 150 mg की। इन टेबलेट्स के कंपोजिशन के साथ में डिसोडियम हाइड्रोजन आपको इंस्टेंट आराम देगा और आप को हर प्रकार के यूटीआई इन्फेक्शन, जो रुक रुक के पेशाब हो रही है, जलन हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। अल्कासॉल सिरप के कुछ साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे स्किन पर रैशेज आना, उल्टी वोमिटिंग होना, पेट में कुछ जलन महसूस होना। अगर कोई भी प्रकार की आपको लक्षण महसूस होते हैं एलर्जी के या प्रतिक्रिया के, तो दवा बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कैलिस प्रयोग ना करें। लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी में डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही प्रयोग करें। फर्स्ट डोज में ही अगर आपको कोई भी प्रकार का इरिटेशन या कुछ असुविधा महसूस होती है, तो आप दवा बंद करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो जब भी हो पेशाब में जलन और किसी भी प्रकार की तकलीफ, रुक रुक के पेशाब आना, तो आप प्रयोग कर सकते हैं डी सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। बड़ों में 10 से 30 ml तक दिया जा सकता है दिन में 3 से 4 बार आवश्यकता अनुसार, और बच्चों में 5 ml दिन में 3 से 4 बार, आधे गिलास पानी में। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे प्रयोग करने की सलाह नहीं दिया जाता है, इसलिए कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। मेडिसिन माइक चैनल में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।